दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इस नवरात्रि माँ शारदा के संपूर्ण दर्शन कैसे करें, मैयर स्टेशन तक पहुंचने की पूरी जानकारी, मैयर स्टेशन से मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, मैयर आने के बाद होटल और धर्मशाला कहां पर लें, माँ शारदा के दर्शन कैसे करें, मैयर में खाने पीने की क्या सुविधा है, इस मंदिर की पौराणिक कथा क्या है, आपकी इस यात्रा में टोटल कितना खर्चा आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों इस समय हम मौजूद है सतना जिले के मैहर धाम में और हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मैहर धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है, और साथ ही अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। दोस्तों अगर आप इस नवरात्रि माँ शारदा के दर्शन करने के लिए मैयर धाम आ रहे हैं तो आपके लिए हमारी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप मैहर तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों मैहर पहुँचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बाई ट्रेन मैहर तक आ सकते हैं। मैहर रेलवे स्टेशन पर देश के प्रमुख शहरों और राज्यों से वेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। मैहर रेलवे स्टेशन तक आप देश के किसी भी शहरों से ट्रेन के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। मैहर रेलवे स्टेशन से माँ शारदा के मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन है, आप मैहर तक बाई बस आ सकते हैं। मैहर तक बाई बस आने के लिए सबसे पहले आपको बस से चित्रकूट, सतना, मिर्जापुर, प्रयागराज और कटनी तक आ जाइए। इसके बाद आपको इन प्रमुख शहरों से मैहर तक पहुंचने के लिए बस बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप फ्लाइट के माध्यम से मैहर धाम तक कैसे पहुंचेंगे। फ्लाइट से मैहर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको खजुराहो एयरपोर्ट तक आना होगा, जो कि मैहर से मात्र 125 किलोमीटर दूर है, जहां पर आप खजुराहो से मैहर तक बाई रोड आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मैहर धाम तक पहुंचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैहर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचने के बाद आप मैहर के घंटाघर चौराहे या तो अखाड़ा चौराहे पहुंच जाइए। यहां पर आपको बहुत सारे बजट में होटल और धर्मशाला मिल जाएगा स्टे करने के लिए। यहां से माँ शारदा के मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, जहां पर आप 10 रुपए देकर ऑटो या ई रिक्शे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको होटल और धर्मशाला नॉन एसी 600 रुपए से 800 रुपए तक और एसी रूम 1000 रुपए से 1200 तक में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मैहर धाम पहुँचने के बाद होटल और धर्मशाला लेने के बाद मैहर में स्थित माँ शारदा के दर्शन कैसे करें। दोस्तों हम कल रात को मैहर धाम पहुँचे, नाइट स्टे करने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माँ शारदा के दर्शन कराने। हमने जिस होटल में स्टे किया उस होटल से मैहर धाम की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। मंदिर तक आप 10 रुपए का किराया देकर ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 1052 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं, और आप चाहे तो रोपवे के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जिस रास्ते से आप मंदिर की ओर चलेंगे दोनों तरफ आपको प्रसाद और फूल की बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी, जहां से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। माँ के दर्शन के लिए फिलहाल दोस्तों हम सीढ़ियों से जाने वाले हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। इसी वजह से यहाँ पर रोपवे की सर्विसिंग का काम चल रहा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुल 1000 सीढ़ियाँ हैं और अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं।
दोस्तों हमारे लिए 1000 सीढ़ियां चढ़ना कोई टफ टास्क नहीं है। अगर आपके मन में माँ के लिए श्रद्धा और आस्था है तो आप भी इन सीढ़ियों को बहुत ही आसानी के साथ चढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अलग से रोड भी बनी है मंदिर तक पहुँचने के लिए, जहाँ पर आप 100 से 200 रुपए का किराया देकर आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों हम 500 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और अभी 1000 भी बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमें काफ़ी पसीना आ चुका है। इस हफ्ते हमने लेग की वर्कआउट नहीं करी थी और आज हमारी बहुत ही अच्छी लेग की वर्कआउट हो चुकी है। करीब 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको यहां पर बहुत ही खूबसूरत पर्वत मालाओं के नज़ारे देखने को मिलेंगे। फाइनली काफ़ी सीढ़ियां चढ़ने के बाद अभी नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, फिर भी यहां पर काफ़ी भक्तों की भीड़ है। आप यहां पर सैटरडे या संडे को आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। नवरात्रि पर तो यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं मां शारदा के दर्शन के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम करीब 700 से 750 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, अभी लगभग 250 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं जो कि बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी और हमको दर्शन होंगे मां शारदा के। मंदिर तक जाने वाले इन रास्तों के ऊपर टीन शेड लगा हुआ है जिससे आप बिना धूप और बारिश के आराम से चढ़ाई कर सकें। मां शारदा के मंदिर तक पहुंचने का करीब आधा से ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम बस मंदिर की तरफ पहुंचने वाले ही हैं, करीब 200 से 250 सीढ़ियां और बची हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने सीढ़ियों के नंबर्स लिखे हुए हैं और करीब 1000 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। अभी 50 से 60 सीढ़ियाँ हमको और चढ़ना बाकी है। दोस्तों अभी हम करीब 1052 सीढ़ियाँ चढ़कर माँ शारदा के इस पवित्र मंदिर में आ चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ये मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। मंदिर के चारों तरफ का जो नज़ारा है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कहते हैं यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था, इसी वजह से इस जगह का नाम माई का हार यानी मैयर पड़ा। और दोस्तों कहते हैं वीर पराक्रमी योद्धा आला उदल आज भी इस मंदिर में सुबह खुलने से पहले माँ शारदा के पूजा करने आते हैं। चलिए दोस्तों अब मंदिर के अंदर चलते हैं और माँ शारदा के दर्शन करने के साथ साथ आपको भी माँ शारदा के बहुत ही खूबसूरत दर्शन कराते हैं। अभी हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से पर मौजूद हैं, चलिए मंदिर के आगे वाले हिस्से पर चलते हैं और माँ शारदा के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो आप यहाँ पर आकर माँ के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं। वाकई में दर्शन हमको बहुत ही अच्छे हुए हैं, अंदर जाते ही हमें बिल्कुल गूज़बम्प्स फील हो रहे थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा क्या है। मैयर धाम में स्थित माँ शारदा का मंदिर एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर माना जाता है, आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। वैसे तो माँ शारदा के मंदिर में पूरे दिन भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन शाम को आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और रात को पुजारी भी मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद पहाड़ से नीचे चले आते हैं। इस मंदिर में रात को कोई भी नहीं रुकता। कहा जाता है मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद अंदर से घंटियों की आवाज आती है। लोग कहते हैं मंदिर के बंद हो जाने के बाद माँ शारदा के परम भक्त वीर पराक्रमी योद्धा आल्हा और उदल ही इस मंदिर की सुबह की पहली आरती और पूजा करते हैं। सुबह जब इस मंदिर को खोला जाता है तो कुछ ना कुछ रहस्यमयी अजूबों के दर्शन होते हैं। कभी मंदिर के गर्भगृह में बहुत सारी रोशनी रहती है और कभी गर्भगृह में खुशबू भरी रहती है। अक्सर मंदिर के गर्भगृह में माँ शारदा के ऊपर फूल चढ़े मिलते हैं।
कहा जाता है त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माँ शारदा के इस मंदिर की खोज आहला उदल ने ही की थी और 12 साल माँ शारदा की तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आला उदल कौन थे। आला और उदल दो भाई थे जो कि बुंदेलखंड महोबा के वीर योद्धा होने के साथ साथ राजा परमार के सेनापति भी थे। आला के बारे में कहा जाता है उनकी लंबाई 8 फीट थी। बाकी दोस्तों आला उदल के बारे में जानने के लिए हमारे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारे सामने आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण पर खड़े होकर के आपको इन पर्वत मालाओं के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। माँ शारदा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर खड़े होकर के इन खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से माँ शारदा के दर्शन कैसे करें आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं यहां पर खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों यहां पर सभी होटल्स और धर्मशाला के नीचे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं जहां पर आप 80 रुपए से लेकर 120 रुपए तक खाने की थाली का ऑर्डर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मंदिर के पास वाले एरिया में आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मैयर धाम की इस यात्रा में आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आप मैयर धाम में आने के बाद होटल या धर्मशाला लेकर स्टे करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, खाते पीते हैं, ट्रेन या बस के माध्यम से यहाँ पर आते हैं, कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आपका मात्र 2000 रुपए का खर्चा आएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस नवरात्रि क्या आप आ रहे हैं माँ शारदा के दर्शन के लिए मैयर धाम में।